तो दोस्तों हम तैयार हैं जाने के लिए। एक डोम हमने बुक करवाया है, डोम यहाँ डोम पर, रूम या डोम गेस्ट हाउस है, डोम बी एंड टाइप। बी आई थिंक। हाँ, B&B। तो वहाँ पर जाके ऐड देखेंगे, तो बैंडन वाली साइड पे आगे देखते हैं चल के। खुला सा एरिया है, किसी पेंट शेंट में आगे, विलेज में किसी में, तो नेचुरल जाके ब्यूटी नेचुरल देखेंगे ब्यूटी आज के हम। पास देखते हैं चल के, आयरिश पेंट देखते हैं चल के। ठीक है, लेट्स एंड वी विल मूव। शो यू एवरीथिंग। बिल्कुल। वेलकम। हेलो। सो आई एम पार्किंग ऑन द ग्रास हियर। सो हे व्यूअर्स, ये है डोम जिसमें हम जो हमने बुक किया फॉर। तो ये डोम है जो हमने बुक की है। ठीक है जी, अब इसमें जाके देखते हैं कितना बड़ा छोटा है, क्या सूरत हाल है। बड़ा है छोटा है? अभी बाहर से तो बहुत छोटा लग रहा है, अंदर चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें मेरे पीछे, ये सारा डोम है। ये सारा प्लास्टिक का डोम है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका जो है वो लोहे का है। इग्लू इग्लू होता था ना, हाँ, इग्लू इग्लू टाइप है। इग्लू है ये, इग्लू। एग्जैक्टली इग्लू टाइप है, जो एंटार्कटिका में लोग वो जो है स्कीमोज बनाते हैं ना बर्फ़ के अंदर, ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है। छोटा सा एक इसको टेंट सा निकाल है, दो। वो पहाड़ियाँ हैं पीछे, और लेकिन सारी ग्रीन है, हर तरफ ग्रीनरी है। और यहाँ पर को कारावान्स भी हैं, ये कैंपर वैन्स ये भी हैं। तो ये सारी साइट इसलिए बनाई है इस बंदे ने, तो यहाँ पर लोग आके टर रहते हैं। यहाँ पर फिर ये टॉयलेट्स वगैरह हैं, ये यूज़ करते हैं टॉयलेट्स, और किचन कॉमन एरिया है। हमारा टॉयलेट अंदर भी है, लेकिन यहाँ पर बाहर भी टॉयलेट्स हैं। तो इस तरह करके एक सेटिंग बनाई हुई है। यहाँ पर हमने कहा थोड़ा सा हमारी आउटिंग हो जाएगी, और साथ ही एक एटमॉस्फियर एंजॉय हो जाएगा। मैं आपको कमरे का रूम भी, रूम के अंदर से भी दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअल कोल बर्नर है, यहाँ पर कोल जलाया जा सकता है, कोयला, और ये कमरे को हीट अप कर सकता है। लेकिन अभी चूंकि समर है, तो इस वक्त यहाँ पर कोल वगैरह नहीं है, वरना कोल इसमें होता। ये इसके साथ छोटा सा ये रखा हुआ है कोल के लिए, तो इसमें कोल होता है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो अंगीठी वगैरह को ना, ये जो फायर प्लेस है उसको साफ़ करने के लिए, और इसमें कोल रखने के लिए, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये उसका सारा सामान है। तो ये एक्चुअल कोल बर्नर है, इसके अंदर से ये इसके वेंट है, जो आउटसाइड एग्जॉस्ट है, जो यहाँ से इसके सारा धुआं बाहर निकालता है। ठीक है, और सबसे और मजे की बात, इनको पेंटिंग, ये हमारी पेंटिंग है जो हमारे बेड के ऊपर बिल्कुल बनी हुई है। ये सबसे मजे की बात तो नहीं है, लेकिन है नहीं, सही। ये सारा सी दिखाया है ना इधर, हाँ, ये ये सी है, सनशाइन है। क्योंकि यहाँ से सी नज़र नहीं आता ना, तो इन्होंने पीछे पेंटिंग लगा दी है सी दिखाने के ये लिए। स्ट्रक्चर के सिवाय सब कुछ लकड़ी का है। और ये इस वक्त हीटिंग का सोर्स है हमारे पास। इस वक्त थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है, तो ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे पास एक छोटी सी फ्रिज है इसके अंदर, ये बहुत छोटी सी टाइनी सी फ्रिज है, बस ऐसे चीज़ें को स्टोर करने के लिए, छोटी मोटी, मतलब ये फ्रिज तो नहीं है, बस ऐसे छोटा मोटा सा ठंडा रखने के लिए कंपार्टमेंट है। फिर यहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन दी हुई है इन्होंने, ये कॉफ़ी पॉड्स हैं।
और थोड़ा बहुत सामान है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें जो हैं, जो ज़्यादा सामान है वो सारा किचन में है। और इस रूम की खास बात है वो सिर्फ ये कि इसमें टॉयलेट बिल्ट है, टॉयलेट बाकी जो ये ऑन स्वीट है, ये ऑन स्वीट ये हमारा कमरा है। टॉयलेट भी साफ सुथरा ही है, साफ सुथरा क्लीन। ये टॉयलेट की सूरत हाल है, ये सामने मिरर लगा हुआ है और ये छोटा सा बेसन है हाथ वगैरह धोने के लिए, और ये यू ऑलरेडी नो दैट कि यहाँ पर क्या होता है। तो ये थोड़ी सी खूबसूरत चीज़ें इसने यहाँ पर इंटीरियर डेकोरेशन की हुई है, ये भी इंटीरियर डेकोरेशन है थोड़ी सी इसके ऊपर ये, और ये टॉल्स हैं और हेयर ड्रायर है नीचे, और ये सारा सिलसिला है, और ये सारा जो है प्लास्टिक है, और प्लास्टिक के नीचे ये कपड़ा लगा हुआ तिरपाल सी है, और ये कह रहा है कि वेक अप एंड चेज योर ड्रीम्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हमारा आने का चेक इन का टाइम था जी, वो 3 बजे का था, शाम 3 बजे चेक इन है, सुबह 11 बजे चेकआउट। ठीक है जी, तो हमने सुबह 12 बजे तक का चेकआउट का टाइम लिया, तो बस देखते हैं। अभी हमने हीटिंग ऑन कर दिया, सुबह का वक़्त यहाँ पर बहुत गर्मी थी, तो उस वक़्त हमने हवा के लिए ये, मैं आपको दिखाता हूँ वेंटिलेटर, ये छोटे छोटे यहाँ पर खाने बने हुए हैं, ये इसके पीछे से वो खिड़की सी ओपन हो जाती है तो ये जाली से हवा आती है, तो ये खुले हुए थे सुबह, और अब चूंकि ठंड हो रही है तो अब हीटर हमने ऑन कर दिए। हीटर बड़ा स्लोली स्लोली वो कर रहा है, गर्म कर रहा है, तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं कितनी गर्मी हो जाती है, होपफुली ये ठीक होगा। तो ये यहाँ का व्यू है, यहाँ से आप अंदर बैठ सकते हैं, यहाँ पर आप चाय शाय पी सकते हैं, यहाँ पर अपना खाना पीना कर सकते हैं, और ये हमारे बैठने के लिए बाहर हमारी सीटें हैं अगर हम इसको यूज़ करना चाहें, लेकिन अभी ठंड हो गई है तो फिर सही। तो ये यहाँ से व्यू है बाहर का। So किचन जो है वो आउटसाइड है, ये टॉयलेट्स हैं, ये जेंट्स के हैं, ये लेडीज के हैं, और यहाँ पे किचन है। लवली, वाओ, हम लोग पिज्जा लेके आए हुए हैं तो वो हमें जो ना इधर, आई थिंक मेरी मिनी फ्रिज है, वो फ्रिज पड़ा हुआ हम रख सकते हैं। हो गया फैन कुकर एंड एवरीथिंग इज देयर। तो दोस्तों ये बन गए हैं पिज्जे, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इन पिज्जों को अब हम खाने की कोशिश करेंगे, और ये हमारी चाय है, और ये सब चिप्स हैं, और ये सारे पिज्जे पुजे हैं, और अब इनको हम खाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी।